अरे गाड़ी की चाबी कहाँ गई? बता, सारी चाबियां हैं बस गाड़ी की चाबी नहीं है, जाने कहाँ चली गई? अरे सुनो, सुनती हो? अरे मेरी गाड़ी की चाबी मैंने कहा, ये काय को सुनने लग गई? इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। राहुल को बुलाता। अरे राहुल, ए राहुल। हाँ सर। मेरी गाड़ी की चाबी देखी क्या? सर बुलाते रहेंगे और मैडम सुनेगी नहीं, मैं ही ढूंढ देता हूँ चाबी। अरे चौधरी साहब। हाँ दादा। सर की चाबी देखी क्या? अरे दादा ये उड़ता हुए थे, आप ही ढूंढो, वैसे भी अंकल ने आपको ढूंढने कहा था, मुझे नहीं कहा। अरे वाह राहुल, मुकेश गुड। सुनो अपने अंकल की चाबियां ढूंढवा दो, कब से परेशान हो रहे हैं। पता नहीं चाबी कहाँ खो गई है, ढूंढते हैं। ओए मनोज, गाड़ी की चाबी देखी क्या? कब से अंकल ढूंढ रहे हैं, कहीं तूने तो नहीं छुपाई? मैं क्यों छुपाऊंगा, वो भी उस खटारा गाड़ी की चाबी, पक्का इसने छुपाई होगी। चाबी लो, कर लो बात, मैं क्यों छुपाऊंगा अंकल का फैसला, चाहो तो डॉक्टर साहब से पूछ लो। जरूरत तो गाड़ी छुपाने की थी, मगर ये चाबी छुपाई किसने? अरे दादा ये दोनों तो बस कंफ्यूज करते रहते हैं, चलो चाबी अपन ढूंढते हैं। सही बोल रहे हो। अरे सर मनीषा से पूछा क्या, हो सकता है उसी के पास हो चाबी। अरे बेटा मनीषा, मेरी गाड़ी की चाबी देखी क्या कहीं? कौन सी चाबी, उसे तो गाड़ी चलाना भी नहीं आता, अंकल रखी होगी कहीं। अरे अंकल टेंशन नहीं लेने का, आप मेरी साइकिल ले जाओ, मैं आपकी चाबी ढूंढ पाऊँ। अरे दीपक जी, अंकल की गाड़ी की चाबी देखी क्या? यार मुझे आप लोगों ने व्योमेश बख्शी समझा है क्या, जो मैं चाबी ढूंढ दूंगा। जाओ यार मुझे अपना काम करना है। अरे रुकिन भाई चाबी। अरे भाई रुको रुको, ढूंढते हैं, चलो अब दादा की चाबी भी ढूंढते हैं। जाओ कह दो उनसे, खुद को भुला कर खो जाना तुझमें। ऐसे तो हम ही खो जाएंगे। अरे क्या दादा, ये तो रखी है चाबी, ये लीजिए। ये रही मेरी चाबी। वैसे अंकल आपको ये चाबी क्यों चाहिए थी अभी? क्यों चाहिए थी? नहीं नहीं मुझे चाबी नहीं चाहिए थी। अरे भाई अभी घर से बाहर तो जाना ही नहीं है, तो फिर चाबी का क्या करेंगे? हाँ मैंने इसलिए ढूंढवाई कि वो चाबी इधर उधर बेकार पड़ी रहेगी और फिर बाद में वक्त पे मिलेगी नहीं, तो मैंने सोचा जो तकलीफ बाद में होने वाली है वो तकलीफ क्यों ना अभी आप लोगों को दे दी जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और हम सभी आपको यह बताना चाहते हैं, इस फिल्म को बनाने में हम सब में से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला है। जितने भी कलाकार आपने देखे सभी अपने अपने प्रांत शहर घर पर थे और वहीं पर शूटिंग व रिकॉर्डिंग की। कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकला और आप भी मत निकलिए, तभी तो आप इस खतरनाक कोरोना वायरस से सुरक्षित रह पाएंगे। तो दोस्तों घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। प्लीज वर्क फ्रॉम होम, स्टे होम, स्टे सेफ। इस शॉर्ट फिल्म को बनाने के पीछे हमारा एक खास उद्देश्य है और वो उद्देश्य है एकता का, देश प्रेम का। उद्देश्य है इस जंग में कोरोना वायरस से लड़ रहे हमारे डॉक्टर, नर्सेस, बैंकर्स, पुलिसकर्मी और लगातार विद्युत और पानी की सप्लाई देते हुए हमारे इंजीनियर्स, हमारे सफाई कर्मचारी व हमारे साथी पत्रकार, जो पल पल अनेकों संघर्ष करते हुए हमें लगातार सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। लॉकडाउन के इस कठिन समय हम आप सभी के साथ हैं। मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया की खबरें लगातार प्रकाशित कर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार के प्रयासों को और विश्व स्तर पर हो रहे सार्थक प्रयासों की जानकारी दी जा रही है। आप सबके सकल सार्थक प्रयासों को नमन। जय हिंद।